आज हम आए हैं लेट श्री महेंद्र कुमार जी की, डॉक्टर महेंद्र कुमार, डॉक्टर श्री महेंद्र कुमार जी की पुण्यतिथि पर दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। उनके बेटे श्री निखिल निखिल कुमार सर हो जाए कुमार जी हैं। आइए बात करते हैं सर, बताएं थोड़ा अपने बारे में। देखें, ये जगह तो पापा जी की है और आज उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने उन्हें लास्ट ईयर 28 अप्रैल 2021 में खोया था और कोविड के सिलसिलाते बहुत मुश्किल वक्त था, पर आज वो नहीं है। पर उन्होंने इस भारत देश को एजुकेशन के विभाग में बहुत मदद करी है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से वो रिटायर हुए और 36 साल एज अ ऑनेस्ट ऑफिसर वो रिटायर हुए और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में भी उन्होंने सर्व किया और बहुत सारे विभागों में, जिसमें ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भी रही, वो आर्कियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम करा, हिस्ट्री पर काम करा, बहुत सारी चीज़ों पर। बहुत ऐसे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर पापा जी लॉ को बहुत अच्छे से समझते थे और बाद में उन्होंने हमारे संस्थान को भी शुरू करने में बहुत मदद करी, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उन्हीं के मार्गदर्शन से हमने करीब करीब 12 से 13 साल शिक्षा विभाग में दिए और उनके 36 साल, क्योंकि मैं उनका बेटा रहा हूँ तो वो मेरे पास खुद ब खुद आते हैं तोहफे में और इनहेरेंट पे। बस उनकी याद में आज हमने यहाँ पर एक छोटा सा समारोह रखा ताकि उनके जितने भी लोग उन्हें जानते हैं वो ये जान पाएँ कि उनके जाने के बाद उनका परिवार ठीक है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता रहेगा, उन्हें याद करता है हमेशा और हमेशा करता रहेगा। सर, डॉक्टर साहब की कुछ शिक्षाएं जो आप समाज को बताना चाहते हैं? बहुत शांत थे, बहुत ही अच्छे, ऑनेस्ट और बहुत शालीन, बहुत वो किसी भी चीज़ में एंगर नहीं लाते थे, खामोशी से शांति से अपने डिसीजन को लिया करते थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं बनाते थे चीज़ों के, समझते थे और जितना हो सके सबको साथ लेकर चलते थे। और मैं चाहूँगा कि मैं भी उन्हीं की तरह अपने परिवार को, अपने आने वाले इस दुनिया को साथ लेकर के चलूँ जितना चल पाऊँ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया।